के द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनीता अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। आप भी मेरे साथ आ गए होंगे मैं ये आशा करती हूँ, और आपने नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लिया होगा, और अब जो भी हम कराते हैं उसे नोट करने के लिए तैयार हो जाएं। आपको मालूम ही है कि मैं कल से एक नया टॉपिक शुरू करा चुकी हूँ जिसका नाम है कंजंक्शन, जो दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो उसी को जारी रखते हुए कल मैंने आपको नॉट ओनली बट आल्सो और एक और कंजंक्शन के बारे में बताया था, आज मैं आपको उसी को जारी रखते हुए आगे चलती हूँ और जानकारी देती हूँ। आज हमारा जो पहला है वो है आइदर और, जिसे कुछ लोग इधर और भी बोलते हैं। अब इधर और का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो जानवरों के रूप में के बारे में बात हो रही हो और दोनों में से किसी को बताना हो कि या तो ऐसा और या तो ऐसा, तो वहां इधर और यानी कि आइदर और का प्रयोग किया जाता है। कैसे, हम सेंटेंस देखते हैं। ही हैज ए कार, एक सेंटेंस। ही हैज ए जीप, उसके पास एक कार है, और दूसरा सेंटेंस है उसके पास एक जीप है। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पास क्या है, कार है या जीप है। कोई आपसे पूछ रहा है कि उसके पास क्या है, तो आप कह रहे हो या तो जीप है और या उसके पास कार है। आप दो बार तो नहीं बोलोगे उसके पास कार है उसके पास जीप है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप ऐसा बोलोगे कि या तो उसके पास कार है और या जीप है। तो ऐसा दर्शाने के लिए जिस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है आइदर और। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे दोनों में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो दोनों में सेम है। ओके, हेल्पिंग वर्ब भी दोनों में सेम है। क्या चीज अलग है, जो हमारा ये अदर्स वर्ब दिया हुआ है ये हमारा है नाउन दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे। ही हैज, इसके बाद करेंगे आइदर का प्रयोग। आइदर ए कार और ए जीप, एक बार फिर बता रही हूं। ही हैज ए कार, एक सेंटेंस फुलस्टॉप दिया हुआ है। ही हैज ए जीप, उसके पास कार है उसके पास जीप है। दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। हमने इनको कनेक्ट किया किसके साथ, आइदर और के साथ। जब हमने इनको दोनों को कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है। जब दोनों के सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी और फिर हमने आइदर का प्रयोग किया। आइदर ए कार और ए जीप, ही हैज आइदर ए कार और ए जीप। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम इज ए सिंगर और राम इज ए राइटर। यहां आप क्या देख रहे हैं, राम क्या है, सब्जेक्ट, जो दोनों ही सेंटेंसों में सेम है। सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब्स सेम है। अब क्या दिया हुआ है, सिंगर, यानी कि क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो अलग दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसे लेंगे, सब्जेक्ट को। तो हमने लिया, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में हमें थोड़ी सी सेंटेंस की लाइन दे दी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया जाता है। अब वहां हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें सेंटेंस पहले आइदर का प्रयोग करना है या आइदर का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करना है। तो इसीलिए मैं इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप इस बात का ध्यान रख सके कि यदि सब्जेक्ट सेम है तो हम सब्जेक्ट पहले रखेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है तो आइदर का प्रयोग हम पहले करेंगे। ओके, तो अब हम लिखते हैं, राम इज आइदर ए सिंगर, आइदर ए सिंगर और ए राइटर। अब सेंटेंस क्या हो गया कि राम या तो सिंगर है और या राइटर है। हमसे किसी ने पूछा कि राम क्या है,
तो हमें मालूम नहीं है, तो हम आइडिया है हमारे दिमाग में, तो हम बोल देंगे या तो वो सिंगर है और या वो राइटर है। तो इसलिए हमने एक दो सेंटेंसों को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि जब दो सेंटेंस अलग अलग बोले जाएंगे, उनको हम जब एक साथ बोलेंगे, सेंटेंस सेम होंगे, तो वहां हमें सुनने में और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम इन दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो शब्दांशों को, वाक्यों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। और किसके द्वारा बनाते हैं? कंजंक्शन के द्वारा। अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस में। सीता इज वीपिंग, मीना इज वीपिंग। अब यहां क्या देख रहे हो? यहां सब्जेक्ट दोनों ही डिफरेंट है। यहां सीता दिया गया है तो यहां मीना दिया गया है। अब प्रयोग हमें कहेगा करना है आइदर का। ये वहां दिया हुआ आएगा कि आइदर का करना है, नाइदर का करना है, बट का करना है, सो का करना है, वो आपके सामने दिया हुआ आएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आइदर। क्या लिखेंगे? आइदर। आइदर सीता और मीना इज वीपिंग। कल मैंने बोध के बारे में बताया था, तो वहां हम यहां जो वर्ब है वो चेंज करते थे, परंतु यहां चेंज नहीं होगी एलपी वर्ब चेंज, क्योंकि यहां आइदर सीता और मीना, मीना सिंगुलर दिया हुआ है, तो यहां वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही आएगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे, जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, यहां दिया हुआ सीता इज वीपिंग। अब हमें मालूम नहीं है, कोई ने पूछा कि क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, तो पता नहीं सीता रो रही है या मीना रो रही है, हमें पता नहीं है। तो हमने सेंटेंस को क्या बनाया? Either Sita or Meena is weeping. या तो सीता रो रही है या मीना रो रही है। ओके? अब हम चलते हैं अगले कंजंक्शन की ओर। अगला कंजंक्शन हमारा है neither nor। अब neither nor का प्रयोग तब किया जाता है जब उस सेंटेंस में not का प्रयोग हो। सेंटेंस में not अवश्य होगा, तो not को हम हटा देंगे और उसकी जगह हम neither का प्रयोग करेंगे कि ना तो ऐसा है और ना ऐसा। ओके? अब सेंटेंस देखते हैं। शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट राइट। सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है। ओके? यहां दिया हुआ रीड, यहां दिया हुआ राइट, वर्ब है। अब हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो नाइदर से चेंज करेंगे। तो शी Neither reads nor writes. चेंज हो गया है ना, परंतु आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गए ना। क्या आ गए? कि यहां डज नॉट लगा हुआ था, मैडम तो डज नॉट को गायब ही कर दिया, उड़ा दिया। जी हाँ, यहां डज हट जाएगा, क्योंकि डज किसके लिए लगा था? नोट के लिए। डज जो आया था वो नोट के लिए आया था, क्योंकि नोट के जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज का प्रयोग करते हैं। परंतु हमारा ये सेंटेंस हो रहा है सी नाइदर, तो अब हमारे यहां पर रीड था, तो रीड क्योंकि सीता सी सिंगुलर की बात हो रही थी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया? रीड का रीड्स। सी नाइदर रीड्स Nor writes. वे ना तो पढ़ती है और ना ही लिखती है। ओके? Not को हटा देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि हमने not लगा हुआ रहने दिया तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपके बोर्ड की क्लासेज है, आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड की क्लासेज में अगर हमें कोई टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर है और फिर भी हम एग्जाम में यदि गलत कराते हैं तो हमें घर आके बहुत पछतावा आता है कि हमें ये टॉपिक इतनी अच्छी तरह आता था, हम छोटी सी गलती की वजह से अपने मार्क्स में चूक गए, है ना। तो इसलिए आप इनका ध्यान रखें। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही विल नॉट लाफ, ही विल नॉट वीप। सब्जेक्ट सेम,
हेल्पिंग वर्ब सेम ओके। तो अब हम क्या लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। अब हमने लिया सब्जेक्ट क्या था ही और विल, हेल्पिंग वर्ब में ये तो लगेगी, नॉट हट जाएगा, ला और विल, वह नहीं रोएगा, वह नहीं हंसेगा, वह नहीं रोएगा, ही विल नॉट वीप, वह नहीं रोएगा। अब हमें बनाएंगे ही विल, अब प्रयोग करेंगे नाइदर लाफ और नाइदर लाफ नोर वीप। फिर बता रही हूं ही विल नॉट लाफ, ही विल नॉट वीप। और जब हमने इसे चेंज किया तो हमने क्या किया, नाइदर का प्रयोग किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेम था, तो हमने यहां पहले सब्जेक्ट लिखा फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, ही विल नाइदर लाफ नॉर वीप। अब यहां लाफ के साथ एस नहीं लगा, वीप के साथ भी एस नहीं लगा क्योंकि विल है, विल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा यस नहीं लगता। थर्ड सेंटेंस हमारा यू कैन नॉट प्ले, जिसे हम यू भी बोल सकते हैं, यू कांट प्ले, यू कांट रन, तुम नहीं खेल सकते हो, तुम नहीं दौड़ सकते हो। सब्जेक्ट दोनों में सेम है, हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, जब सब्जेक्ट सेम हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू कैन ओके। अब हम लेंगे नाइदर यू कैन नाइदर प्ले नोर रन, तुम ना तो खेल सकते हो और ना दौड़ सकते हो, तुम नहीं खेल सकते, तुम नहीं दौड़ सकते। कोई प्लेयर आया है तो जो कैप्टन है उसके खेलने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब उसकी कुछ एक्टिविटीज देखता है तो कैप्टन जो है वो ये बात कहता है कि तुम नहीं खेल सकते, तुम नहीं दौड़ सकते। तो इसी सेंटेंस को हम दो सेंटेंसों में ना लेते हुए एक कंजक्शन लगाकर एक सेंटेंस बनाएंगे, तो हम बना देंगे यू कैन नाइदर प्ले नॉर रन, तुम ना तो खेल सकते हो और ना ही दौड़ सकते हो ओके। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां नहीं खेल रही हैं। अब आप बता सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि अब किस चीज का प्रयोग होगा, हाँ आप सही पहचानगे, अब यहां नाइदर का प्रयोग होगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। जब दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले नाइदर आ जाएगा, नाइदर बॉयज नोर गर्ल्स आर प्लेइंग, ओके, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देती हूं, चूंकि यहां दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट थे इसलिए सबसे पहले नाइदर का प्रयोग होगा, नाइदर बॉयज नॉर गर्ल्स आर प्लेइंग, कि ना तो लड़के खेल रहे हैं और ना लड़कियां खेल रही हैं। अब हम चलते हैं अगले कंजक्शन जिसका नाम है सो, सो के बारे में बात करते हैं। सो का प्रयोग आता है इसलिए के लिए भी और ताकि के लिए भी, ताकि ताकि सो मैं स्कूल नहीं, मुझे घर पे काम था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी, ये तो हम एप्लीकेशन में रोज लिखते ही हैं। अब यहां ये जो सेंटेंस दिए जाते हैं, ये सेंटेंस दो चीजें लेके आते हैं, क्या, एक में कारण दिया होता है और दूसरे में परिणाम, यानी कि क्या कारण था,
उसका परिणाम क्या निकला। ओके, एक में कारण और एक में परिणाम। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जब इन दोनों सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले तो जो फुल स्टॉप दिया हुआ है इसे हटा देना है। फुल स्टॉप हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, कोमा। जी हाँ, यहाँ कोमा लगाएंगे। आप जानते ही हो कोमा के बारे में, कोमा लगाएंगे। चलो चलते हैं सेंटेंस की ओर। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं या भूखी हूं। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं मेरा नाश्ता लेता हूं या करता हूं। अब यहां हमने क्या करना है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं इसलिए मैं मेरा नाश्ता लेता हूं। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फुल स्टॉप हटाकर कोमा लगाना है और पूरा सेंटेंस वापस रिपीट करना है। चलिए, आई एम हंग्री, हो गया फुल स्टॉप, कोमा लगाया। सो आई टेक माय ब्रेकफास्ट, मैं भूखा हूं इसलिए मैंने अपना नाश्ता किया, यानी कि मैं नाश्ता करता हूं। क्योंकि मैं भूखा हूं इसलिए मैं नाश्ता लेता हूं या करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज लेट, मैं लेट था, ये था कारण। आई टुक ए टैक्सी, अब इसका परिणाम क्या निकला कि मैंने टैक्सी ली, यानी कि मैंने टैक्सी ले ली। अब यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर टुक का प्रयोग हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई कि मैंने टैक्सी ली। हम वही काम करेंगे जो मैंने पहले बोला था, आई वॉज लेट, फुल स्टॉप हटा देंगे, कोमा। सो आई टुक ए टैक्सी, मैं देरी से था इसलिए मैंने टैक्सी ली। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, आई मिस्ड द ट्रेन, फुल स्टॉप, आई वेंट बाय बस, मेरी ट्रेन छूट गई, मैं बस के द्वारा गया। यहां भी पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सेंटेंस में यही ध्यान रखना है कि हमारे दोनों ही जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, बस हमें सिर्फ सो जोड़ना है ताकि हमारा जो सेंटेंस की हिंदी है वो ये हो सके कि मेरी ट्रेन छूट गई इसलिए मैं मिस्ड द ट्रेन। आई मिस्ड द ट्रेन, सो कौन लगाएंगे, आई वेंट बाय बस, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आपको मैंने बताया था कि यदि किसी वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करते हैं तो वहां बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए बाय बस लगाया। मेरी ट्रेन छूट गई थी इसलिए मैं बस से चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम इज इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ये लाइन तो अक्सर लिखते हैं, आई एम ई लिखते हैं, हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को। राम इज इल, राम बीमार है, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। राम इज इल, राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। अब यहां हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब यहां फुल स्टॉप के बाद हमारा सब्जेक्ट था तो यहां पे जो एच था ये कैपिटल था,
परंतु जब हम सो का प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस ए की बना रहे हैं, तो हम सो के बाद जो एच कैपिटल था उसको स्मॉल कर देंगे। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ तो आई था, तो आई आपको पता ही है, आई कभी स्मॉल नहीं लिखा जाता, इसलिए आई को वैसे ही लिखा। परंतु यदि ही शी इट या कोई दे सब्जेक्ट हो तो वो उनको चेंज करके हम उनका स्मॉल लेटर कर देंगे। चलिए अब अगले कन्वेंशन की ओर प्रवेश करते हैं। अब हम चलते हैं बट की ओर। बट का मतलब क्या होता है? परंतु, लेकिन। ये क्या है कि ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो विपरीत अर्थ ज्यादा देता है अपने सेंटेंस में। सेंटेंस को देखते हैं, रोहित इज फ्री। रोहित फ्री है, फ्री मतलब खाली बैठा है। मीना इज बिजी, आ गया ना, ये फ्री और वो बिजी, दोनों एक दूसरे के बिलोंग हो गए। नेक्स्ट में द मैन इज पुअर, द मैन इज ऑनेस्ट, ये भी विपरीत है, मतलब कोई मतलब नहीं, गरीब है और ऑनेस्ट है। ये हो गया, ही इज लेट। ही इज लेट, ही विल कम। वह लेट है पर आएगा। इस सेंटेंस इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होती हैं इनमें। तो पहला सेंटेंस हमारा है रोहित इज फ्री। हम इसे कैसे बनाएंगे? फ्री बट मीना इज बिजी। क्योंकि सब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे और हमें सिर्फ बट जोड़ना था, दो सेंटेंसों के बीच में हमें सिर्फ बट कंजंक्शन का प्रयोग करना था। तो रोहित फ्री है परंतु मीना व्यस्त है, बिजी है। ओके अब अगला सेंटेंस देखते हैं, द मैन इज पुअर, द मैन इज ऑनेस्ट। द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहां जो सेंटेंस दिया गया था, यहां इसमें सब्जेक्ट सेम था, तो इसलिए यहां हमने क्या किया, सब्जेक्ट को एक ही बार लिया, द मैन, और उसकी दो जो क्वालिटी बताई गई थी पुअर और ऑनेस्ट, तो हमने लिख दी द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। आदमी जो गरीब है परंतु ईमानदार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही इज लेट, वह देरी से है। ही विल कम, वह आएगा। ही इज लेट बट ही विल कम। उसे देर हो गई, यानी कि वे देरी से है परंतु वह आएगा। ओके ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये भी बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान था। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये दोनों क्रिएटिव सेम ही है। ये नेगेटिव के लिए प्रयुक्त हुआ और ये नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके साथ प्रयुक्त किया गया है। तो आई होप कि जितना भी मैंने आपको टॉपिक करवाया है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आ गया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट भी दें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको स्कूल से संबंधित जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाए। नए टॉपिक के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक यू।